दोस्तों होंडा एस पी 125 का जो साइलेंसर है वो बहुत ही कमाल का है। आप देखोगे इसमें, देखो पीछे नीचे हॉट आयरन है, उसके बाद में एक हीट सिंक लगी हुई है लोहे की, उसके बाद में एक और स्टील की हीट सिंक लगी हुई है। स्टील की हीट सिंक है, इसके दो तीन फायदे होते हैं। एक तो ये जो ऊष्मा नीचे से गर्मी निकलती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने से जो टेम्परेचर है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी जो आपका पिलियन होता है वो पैर रखेगा तो उसका पैर जल सकता है, इसीलिए यहाँ पर होंडा ने टू लेयर सेफ्टी प्रदान की है। नीचे का साइलेंसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि उससे इंजन से सीधे हीट निकलती है उसमें, और हीट जो आगे से पीछे को पास होती है। अब वो हीट की वजह से कभी कभी क्या होता था, पहले बाइकों में सिंगल लेयर होती थी हीट सिंक की, यानी कि जो आप देखोगे साइलेंसर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर है वही होती थी, तो उससे कई बार ऐसे केस मिले थे कि जो पिलियन बैठा है उसके जो फुट रेस्ट पर पैर रखने के बाद में एड़ी उसकी उस पर आती थी तो वो जल जाती थी, यानी जूते चप्पल वगैरह जले हुए हैं। एक दो बार कैसे मेरे साथ में भी केस हुआ था, जो पीछे से जो सूज होता था वो थोड़ा सा वो जल गया था, वो पिघल गया था, लेकिन पता नहीं चल पाया था उस टाइम पे। तो कंपनी ने इसमें एक सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा है और स्टील की लेयर दे दी है, और ये स्टील की है, ये इसीलिए बहुत जल्दी ठंडी होती है, यानी कि जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र है बहुत तेज़ी से होता है, तो उतना हाई टेम्परेचर नहीं पहुँच पाता जिससे कि किसी पिलियन को नुकसान हो। और यहाँ पर एक कटआउट दे दिया एयर इनलेट के लिए, यानी कि एयर आगे से जाएगी और यहाँ से अंदर जाएगी और वो पीछे को निकल जाएगी, यानी कि जो हीट है वो एयर के साथ में एयर गर्म होकर के इसको कूलिंग का अच्छा काम करेगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अप्रोच यूज की है, टेक्नोलॉजी यूज की है, तो इस मामले में एसपी 125 जो है वो सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छी निकल के आती है और बहुत ही इसका रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एसपी 125 का।